करना सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोट कोट शुक्र है जिन्होंने मनुखा जन्म देख के अपने दर के ढाडी होने का मान बख्शिया है। बहुत खुशी प्रसन्नता हो रही है सतवें पातशाह गुरु हर राय महाराज उन्होंने पवित्र स्थान के उत्ते आप संगत के दर्शन कर रहे हैं। सतगुरु जी कृपा करन साडी तुहाडी गुरमत की सांझ गुरदेव पिता जी इसे तरह वधावन। इतिहास की लड़ी आप जी की सेवा के आरंभ कर लगे हैं। प्रोग्राम का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट के उत्ते भाई साहब कर रहे हैं। दूर दुराडे बह के भी संगत सुन रही है जेड़ा कुछ सुनता है गुरु ग्रंथ साहब जी कृपा करन सब की हाजरी मन करके अपने चरणों में प्रवान करना। मेरे तो पहला सत्कारयोग ज्ञानी जी आप जी के नाल गुरमत विचारों की सांझ पा रहे सन। उन्होंने चढ़ती कला वास्ते मैं गुरु चरणों में अरजोई करता हाँ। इस हफ्ते के अंदर असी सिख कौम के वह महान पवित्र दिन मना जा रहे हैं जिन्हों मना के नाल ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰੀ ਮੀਰੀ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤਪੁਰ ਬਾਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਿਕਲੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਸੁਖਣਾ ਦਸਵੰਦ ਕਾਰ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਪਣ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਣਾ ਦਸਵੰਦ ਕਾਰ ਭੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ
गुरु साहब जी के चरणों के उत्तों अपनी जिंदगी कोल कमाउण वास्ते गुरदेव जी की शरण विच आउणा शुरू करदे है। मैं आप जी की सेवा विच जिहड़ा इतिहास कहण लगा है, यह दावा नहीं करता कि तुसीं सुनिया नहीं होना, आप जी की सेवा दे विच कुछ नवांपन कहण दा जतन करांगा। दो तारा शब्द तो आरंभ करांगे ते बाकी दे सारा प्रसंग जिहड़ा ओह आपां पड़ा दर पड़ा सतगुरु जी दे चरणों दे विच अपनी मन वर्ती एकादर करके जोड़न का उपराला करांगे। सतगुरां ने सुहावना वक्त दिता, आपां एक एक पल नूं संभालण दा गुरु चरणों विच बह के जतन करना है। सत संगत काबल तो संगत तुरी है छेवें गुरदेव जी के चरणों विच सुखना दसवंत कार भेट के नाल नाल कीमती जवानियां अर्पण करने वाले गभरू भी सतगुरु जी के शरण विच जाना चाहते हैं। एक बहुमुला घोड़ा सतगुरु जी के चरणों में अर्पण करने वास्ते भाई साहब भाई सोजान जी ने गुरदेव पिता जी के चरणों में अर्पण करना घोड़ा बहुमुला घोड़ा रोमा तो यूरोप की धरती तो इटली के उत्तों रोमा बहुत वड्डी घोड़िया की मंडी लगती सी जिथे नस्लदार घोड़े बिकते सन। गुरबिलास पातशाह छेवीं ने लिखा है कि बहुमुला घोड़ा भाई सुजान जी ने जदों खरीदिया सतगुरु जी वास्ते काला शाह रंग मथे दे चिट्टा फुल मन विच एक तरंग है कि जदों सतगुरु जी इस घोड़े दे उत्ते सवार होणगे तां मैनूं ढेर सारियां असीसां मिलणगियां। संगत दे काफले नूं नाल लैके ढोलकियां छैणियां नाल कीर्तन करदे होए काबल की धरती तों तुरे ते सत संगत जदों लाहौर की धरती ते आउंदे आ लाहौर दे राजे शाहजहां दे कर्मचारियों ने सिखां दे कोल जदों बहुत सुंदर घोड़ा तकिया तां सारे कर्मचारिये आपस में कहण लगे भई इह जिहड़ा घोड़ा इह कित्थे नूं लैके जा रहे होणगे, इह किहनूं घोड़ा देण चले होणगे, इन्हां ने घोड़े दीआं बागां फड़ियां ने ते घोड़ा नाल नाल तोरी जांदे ने, घोड़े दे उपर चढ़िया कोई नहीं। संगत नूं कहण लगे भाई कित्थे नूं चले हो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹ ਘੋੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਲਾ ਘੋੜਾ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰੇ ਘੋੜਾ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸਾਲੂ ਜਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਸਾਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਹਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਤਾਰਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸਾਲੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਸਾਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੋੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੇ, ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਜਾਨ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਘੋੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ,
भावे लड़ना पै जाए भावे मरना पै जाए कुटरा कुटरा करवाना पै जाए पर घोड़ा तुहाडे कवेले बजना चाहिए। गुरदेव पिता कहने लगे भाई सुजान सियाना बन एक घोड़े की खातर आप जंग करिए लोगों ने आपां नूं चंगा नहीं कहना। रही गल राजे दे घोड़ा खोण दी राजा ने तो खुद छेड़ी उन्हें लड़ाई का मुढ़ बनिया ते आपां एक घोड़े की खातर लड़ांगे किसी ने आपां नूं चंगा नहीं कहना। भाई सुजान कह लगा जी फिर आ सारा लाभ लश्कर इनी फौजी भर्ती इन्हे जंगी हथियार ए साजो समान ए सारा अडंबर की फिर लोग दिखावा आ असी तो लड़ांगे जो मर्जी हो जाए घोड़ा राजे दे तवेले दी रहण देना घोड़ा तुहाडे चरणा च होना चाहिए। भाई सुजान का हठ वेख के छेवें गुरदेव कहण लगे ला फिर भाई सुजान जंग भी नहीं होएगा तो घोड़ा भी आ जाएगा कोई प्रवाह नहीं हुण उस घोड़े दे उत्ते चढ़ांगे तो असी चढ़ांगे होर घोड़े दे उत्ते कोई चढ़ नहीं सकदा। सत संगत भाई सुजान बड़ा हैरान बड़ा खुश हथ जोड़ के कहिंदा जी कदों तक आ जाएगा। सतगुरु कहिंदे जे गुरु नानक ने कृपा कर दित्ती खबरे कल नूं आ जावे। अज सत संगत रात घोड़ा तवेले विच बजा ते रातों रात बीमार हो गया। सवेर होई राजे शाहजहां ने अपने कर्मचारियों नूं इनाम वंडे पे चंगा कीता तुसी फकीरां दे कोल घोड़ा पहुंचण तों पहला खोलिया भला बाबिया का की काम होंदा घोड़े रखना राजा का काम है चंगा कीता खोया तुसी इनाम वंडे। कहिंदा लियाओ घोड़ा विखाओ किहड़ा लैके आए हो लुट के। जदों घोड़ा लिआंदा तां घोड़ा लंगड़ा के तुरे घोड़े की मोहरली सजी लत दे उत्ते फोड़ा हो गया ते जदों राजा वेख के हैरान होके कहिंदा इह तां लंगड़ा आ वो कहिंदे बादशाह सलामत चंगा भला होया सी पता नहीं की हो गया इहनूं रातों रात। वैद सदे हकीम आए वैदा हकीमां डाक्टरां ने घोड़े की लत नूं टोह के वेख्या उहदे लत दे उत्ते फोड़ा होया सी ते घोड़े की लत ते फोड़ा फोड़े नूं वेख के वैद कहिण लगे बादशाह सलामत घोड़े नूं नाम रात चंद्री बीमारी चिंबड़ गई आ इस जख्म दे विचों बड़ा भैड़ा मुश्क आउंदा है इह जख्म दे नाल जिहड़ी बीमारी आई आ ना घोड़े नूं तेरे बाकी दे घोड़िया की जान नूं भी खतरा इथों तक मैं घोड़े जिहड़े रखे ने इस घोड़े नूं जिहड़ा बंदा पट्ठे पाउंदा वह घोड़िया नूं पालन वाले बंदे की जान नूं भी खतरा इसलिए जिन्ना जल्दी हो सके घोड़े नूं तवेलों बाहर कढ़ दे। राजा कहिंदा यार एडा की लोड़ा पै गया चंगा भला कल ते लैके आउंदा इहदा तुसीं दवा दारू करो। वह कहण लगे ना जी असीं कदे लागे नहीं जाणा इहनूं तां इदां दी बीमारी चिंबड़ी आ के जिहड़ा लागे जाऊ मर जाऊंगा। हुण राजा सत संगत दुचिती च पिया हैरान होया उहदे कोल खलोता शाही काजी रुस्तम खान नूं बादशाह शाहजहां कहण लगा काजी साहब तुसीं खुदा की इबादत वाले हो तुहाडा वाल बिंगा नहीं होना। यह कहिंदे ने कि जिहड़ी देखभाल तों बंदा करूंगा उहनूं भी खतरा असी घोड़ा तुहानूं प्यार की निशानी तोहफा देने आ। काजी दे तां प्राण खुश हो गए वी तोहफा चंगा मरिया सप मेरे गल पाउण लग्या ते काजी एक अपने मन अंदर घबरिया पिया। राजा कहण लगा लै काजी घोड़ा तेनूं प्यार दा तोहफा फड़ साडे वलों। हुण घोड़े दीआं बागां फड़न वास्ते काजी दा मन नहीं करदा पर राजे नूं जवाब भी नहीं दे सकदा। उहने कंबदे हत्थां नाल घोड़े दीआं बागां फड़ियां ते अपने घर नूं तुर पिया। घोड़ा तां बीमार है तां हौली तुरदा है ते काजी तां हौली तुरदा है कहिंदा वी मेरे नैणे मर जाणे मेरी ते जान नूं खतरा हो गया इह तां मरिया सप मेरे गल पा दित्ता इहनां ने। हुण हौली हौली तुरे ने घोड़ा अते काजी जिहड़े रस्ते जा रहे उसे रस्ते दे उत्ते छेवें पातशाह दा दरबार सजिया। सजे दरबार दे विच भाई सुजान सतगुरु नूं चौर कर रहा ते चौर करदे दे हथ रुके कहण लगा गुरदेव जी आ उही घोड़ा जिहड़ा कल कर्मचारियां ने साडे कोल खोया पता नहीं की हो गया बीमार हो गया लगदा लंगड़ा के तुरदा। घोड़ा हिणकण लग्या घोड़ा आवाजा मारे मानो घोड़ा सतगुरु नूं कह रहा सी कि दाता पापियां दे जाल विचों मैनूं कढ लै। गुरदेव पातशाह दे चरणां विच भाई सुजान सतगुरु जी दी शरण विच खलो के जिहदे हथ जोड़ के बेनती करदा है उह कहानी आप जी दी सेवा विच ज्ञानी सरूप सिंह कड़ियाणा दा अपन सिंह ढाडी जत्था इहों पेश करदा है।
डरू संसार भला ही डरू संसार सत्कार जो साथ संगत तुसी सारे जने बड़े प्यार नाल सुनदे हो मैं आप जी का कर्जदार है गरीब नवाज।